नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर हम लोग हेमचंद गोयल के कार्यालय पे हैं। यहाँ बात करेंगे कुछ क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के, कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर के। इनसे बात करेंगे कि जाम की समस्या बहुत बड़ी बदरपुर जैतपुर में आ रही है, उसको लेकर भी बात करेंगे। कुछ अन्य मुद्दों को लेकर बात करेंगे। जाम की समस्या बदरपुर के अंदर बहुत ज़्यादा है, बदरपुर जैतपुर के में या मीठापुर के अंदर बहुत ज़्यादा समस्या, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखो, समस्या खड़ी हुई है। एक तो ये जो पुल बन रहा है जो आगरा कहना, और एक ये हाईवे। आपको पता होगी पहले हमने तीन पुल बनाए, गुरगोन कैनाल पर दोनों पुल राम सिंह नेताजी और मेरे समय में बने, और ये पुल भी राम सिंह नेताजी के समय पर बना। इसमें लपड़ा हुआ पहले दिनेश सारस्वत था, परंतु ये समस्या कभी नहीं। अब सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अब ये पुल बनना शुरू हुआ, हमारे विधायक जी ने इसका उद्घाटन किया, जबकि ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का, और ये जो वडोदरा एक्सप्रेस वे बन रहा, उसके उस ठेकेदार को या उस कंपनी को इसको बनाने का था, उन्होंने पैसा दिया है यूपी इरीगेशन को, वो इस पुल को बना रहे हैं। पर हमारे विधायक जी ने ये नहीं देखा, आप उद्घाटन इसका कर रहे हो, जबकि मेरे हिसाब से तो उद्घाटन भी एमपी को करना था। एक इस पुल को नहीं टूटने देते अगर, और इस पे सिर्फ टू व्हीलर निकलते, क्योंकि ये पुल चार लेन का बन रहा है, और वो बराबर में पुल बन जाता। आपने देखा होगा मदनपुर खादर पुल बन रहा है, अभी वो पुल तोड़ा नहीं है, उस पे ट्रैफिक निकल रहा है, बराबर में पुल बन रहा है, परंतु उनको इस बात से कोई मतलब नहीं। एक आगे क्या होगा, बस वो तो एक उद्घाटन करके उन्होंने अपनी वाहवाही ले ली, परंतु अब वो कहते हैं जी एक साल समस्या रहे। आप ये भी जानते हैं जब सरकार कोई काम करती है, अगर उसकी डेडलाइन एक साल है तो उसमें ऑटोमेटिक डेढ़ और दो साल लगते हैं। तो अब आप ये बताइए, हमारा मतलब एक ऐसी चीज़ है, शमशान घाट मोड बन गया, जो यहाँ के सब लोग जैतपुर तक के मोड बन जाते हैं। आज मतलब आप 10 आदमियों को लेकर निकल नहीं सकते, जब हमें डेड बॉडी ले जाने के लिए ये सोचना पड़ रहा है कब लेके जाए। तो ये मतलब आप देखिए कि इन लोगों को ये देखना चाहिए था एक हम गलत कर रहे हैं। या अब हरियाणा में पुल बन रहा है कृष्ण पाल के, जो वडोदरा एक्सप्रेस में बन रहा है, वो नया पुल चालू है, वो काम चल रहा है। तो इन लोगों को ये चीज़ देख के करनी चाहिए। जो ये जाम है इसके 100% जिम्मेदार अगर कोई मैं मानता हूँ तो मैं अपने विधायक। बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पहले से ही है, जाम की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर के पहले ही मीठापुर चौक पर इतना बड़ा जाम रहता है जब दोनों पुल चल रहे थे उस टाइम पर। अब एक पुल तोड़ दिया है, उसमें डाई वो लगा करके समस्या तो थी और उसका समाधान भी हो रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं, जो वडोदरा एक्सप्रेस वे बन रहा है, ये 2007-08 की स्कीम थी, जो गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस की सरकार थी, यूडी मिनिस्टर थे, तब ये बनने का पास हुआ था। एक अलग चीज़ है, कोई सरकार आती है कोई जाती है, परंतु वो समस्या थी क्योंकि आबादी बहुत है, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे काबू में नहीं होती। परंतु जो अब ये पुल की वजह से समस्या बढ़ी है, इसके जिम्मेदार 100% हमारे विधायक। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी बात सामने आती है और हम देखते भी हैं, अगर जो दोनों में तालमेल अच्छा होता, एक ही पार्टी के दोनों सांसद भी और एमएलए भी एक ही पार्टी के हैं, तो काम अच्छा होता, कोई बड़ा यहाँ प्रोजेक्ट लाया जा सकता था। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, एक वो एक भी पार्टी के नहीं हो, अगर अलग अलग के भी हों तो भी उनको मिलके काम करना चाहिए, क्योंकि आज इत्फाक कह लो, हमारे पास इतनी ज़मीन है एनटीपीसी की, हम उसमें पब्लिक हित में इतनी बड़ी बड़ी योजना ला सकते हैं जो हमारा क्षेत्र स्वर्ग हो जाएगा, परंतु इस पर किसी का भी कोई ध्यान बिल्कुल भी नहीं। एक बहुत बड़ी बात और सामने आ रही है, जैतपुर में जो प्राइमरी स्कूल है उसके सामने की वाली जमीन पे कुछ लोग वहाँ कब्जा कर रहे हैं, उसको लेकर के बहुत माहौल गर्म है, जयपुर के लोग अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। आप ये तो मानोगे, एक जो लोग वहाँ कब्जा कर रहे हैं वो किसके आदमी हैं, और अगर उनकी चले दें एनटीपीसी पे भी कब्जा कर लें, अगर इसकी बाउंड्री वाल ना, आप सब जानते हैं किन लोगों ने कब्जा किया और कौन लोग हैं, क्योंकि सब विधायक के लोग जो कब्जा कर रहे हैं ऑन रिकॉर्ड है, उनके नाम आप देखो जा, मैं उनके नाम क्या लूँ, क्योंकि वो तो मौरे हैं, उनके नाम की क्या लूँ। दूसरे 60 फुटे सुनील डेयरी के पास एक बाजार लगता है, उसे लेकर लोगों में बहुत रोष है, आप यहाँ से निगम पार्षद हो, उनके बारे में क्या सोचा आपने? देखो, जो बाजार लगता है मैं भी मानता हूँ उससे बड़ा नुकसान,
नुकसान किन लोगों का होता है? उन दुकानदारों का होता है, क्योंकि दो दिन पहले से उनकी दुकानदारी बंद हो जाती है और दो दिन बाद तक का लोग सामान बाजार से खरीद। दूसरे असामाजिक तत्व भी होते हैं, किसी की चैन छिनती है, किसी की जेब कटती है। उसमें हाई कोर्ट का भी एक डिसीजन आया है कि भाई इलीगल बाजार बंद होने चाहिए। उसमें शायद सातवें महीने की कोई डेट लगी हुई है हाई कोर्ट में भी, और मैंने MCD को ये आदेश भी किए हैं अपने वार्ड में जो भी अधिकारी हैं, क्योंकि मेरे वार्ड में सिर्फ एक ये बाजार है और अब नहर पर भी कुछ लोग बैठने लगे हैं। एक आप थाने में लिख के दे दो कि ये बाजार इलीगल है और ये बाजार लगने नहीं चाहिए, और ये मैं आपको वो कॉपी भी दे दूंगा जो थाने में MCD में इस बात की लिखित में देने की बात। आम आदमी पार्टी के तो अभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला आम आदमी पार्टी को, आप आम आदमी पार्टी से यहाँ से निगम पार्षद हैं, देशवासियों को क्या कहना चाहोगे? देखो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मैं तो एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता और मैं कोई आम आदमी पार्टी का शुरू से भी कार्यकर्ता नहीं था। मैंने तो राम सिंह नेताजी के साथ पार्टी ज्वाइन की, परंतु ये मैं जरूर कहूँगा, एक आम आदमी पार्टी ने जितने कम समय में ये तरक्की की है वो वाकई में काबिले तारीफ है। और अरविंद केजरीवाल जी ने अभी कहा, आपने सुना होगा एक बार, शायद भगवान हमसे कोई अच्छा करवाना चाह रहा है, तो आप भी समझते हैं उस चीज़ का क्या अर्थ है। और आज देश का हर व्यक्ति ये मानता, दिल्ली की मिसाल पूरे देश में दी जाती है। राम सिंह नेताजी की प्रेरणा लेकर के दो बार पहले निगम पार्षद रहे हो, आप चेयरमैन भी रहे हो, इस बार फिर कड़े मुकाबले के साथ यहाँ से जीत हासिल की आपने, जो बहुत बहुत बड़ा मुकाबला था आपस ये आम आदमी भारतीय जनता पार्टी का, आम आदमी पार्टी का, उसको उसका सिरे किसको लेना चाहोगे? देखो सिरे किसी एक आदमी को तो होता नहीं, सबसे पहला सिरे तो पार्टी का जिन्होंने टिकट दी, दूसरे राम सिंह नेताजी का जिन्होंने मुझे टिकट दिलवाई, और सबसे ज़्यादा योगदान अगर है तो मूलबंध वार्ड के लोगों का। उन लोगों ने जो मेहनत की उसका सबसे ज़्यादा श्रेय उनका ही है, और मैं उनका सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं क्या राम सिंह नेताजी और हमारी पार्टी भी मूलबंध वार्ड के सब लोगों का धन्यवाद, उन्होंने किया है, हमने भी किया है, और वाकई में बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ा कड़ा मुकाबला था। और मैं जब पहले दो चुनाव जीता तो वो इतनी वोटों से जीता कि मुझे एहसास नहीं हुआ एक लोगों ने क्या मेहनत की, पर इस जीत ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे ये लगा कि अगर मेरा परिवार और मैं सात जन्म भी लें तो उन लोगों का कर्ज नहीं उतार सकते जो उन लोगों ने विजय हमको दिलाई। साई नगर की एक जमीन जो बहुत चर्चा में है, बदरपुर विधानसभा की जो चर्चा में बहुत ज़्यादा और मुद्दा है, उसको लेकर के बात करेंगे कि अभी तक उस पर पार्किंग नहीं बनी है, लोग जो अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उस पर? नहीं, अब तो वो हॉट मुद्दा नहीं है, अब तो वो मुद्दा पुराना हो गया है। 2020 में जरूर वो हॉट मुद्दा था। एक भाई जब आपने देखा होगा चुनाव चल रहे थे, आम यहाँ से भाजपा के यहाँ से निगम वो यहाँ MLA हैं रामवीर सिंह भिदोड़ी जी, उन्होंने कहा था कि मैं जीत के आऊँगा तो इस पर पार्किंग बना के दूंगा, वो लोग इस स्थिति का इंतजार करें, इसलिए मैं आपको वोट बता रहा हूँ। वहाँ के लोगों से मैंने बात की है, अभी बात होती है मेरी कि कब वो पार्किंग मिलेगी उनको, उसी इंतजार में है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हॉट वो जब था क्योंकि उस रामवीर सिंह भदौड़ी जी ने ये कहा था कि आप मुझे चुनाव जिता देंगे मैं दूसरे दिन इन चादरों को फाट कर फेंक दूंगा। पहली बात तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि उस पर कब्जा हुआ, क्योंकि वो कानून से हुआ, उसकी मलकियत थी, वो डेवलपमेंट कमिश्नर के यहाँ से केस जीता वो सरकार, और ठीक है उसने कब्जा किया, परंतु जिस जमीन पे ग्राम सभा में जो जमीन चली जाती है 81 के तहत और जिस पे ग्राम सभा कब्जा ले लेती है वो जमीन कभी वापस नहीं होती, क्योंकि उसी में से हरिजन कॉलोनी हमारी बसी, उसी में से बारात घर बना, उसी में से हमने प्राइमरी स्कूल बनवाया, आपने देखा होगा जो प्राइमरी स्कूल चल रहा है, और जो 52 एकड़ जमीन कभी बटी थी भाई, जो प्लॉट 120 गज के बटे वो रतिराम प्रधान जी के टाइम, 52 एकड़ विष्णु प्रधान जी के टाइम, तो वो सब उसी जमीन का हिस्सा था। परंतु आपने देखा होगा हम चुनाव हार गए, राम सिंह नेताजी चुनाव हार गए थे, लोगों ने कहा एक आप आइए ये कहिए मैं उखाड़ के फेंक दूंगा, पर हमने झूठ नहीं बोला, राम सिंह नेताजी ने झूठ नहीं बोला, हमने ये कहा हम इसकी लड़ाई हाईकोर्ट में चल के लड़ेंगे, और वो कानून से ही वो जमीन अब भी खाली हो सकती है अगर हम कानूनी लड़ाई लड़े। परंतु ये बताते हैं वहाँ के प्रधान है, मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगा, उन्होंने लोगों से पैसे भी इकट्ठे किए और वो पैसे खा गए और लोग ठगा अपने आप को महसूस कर रहे हैं।
भाई क्षेत्रीय विधायक भी है, अब तो विधायक भी बीजेपी का, पार्षद भी बीजेपी का, एमपी भी बीजेपी का, अगर अब भी वो नहीं हटते तो फिर क्या बढ़ सकते। एक और मुद्दा सामने है, यहाँ से आप निगम पार्षद नहीं हो मीठापुर से, आप मोरदन से निगम पार्षद हो, उसके बावजूद भी आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ उस मुद्दे पे। धर्मशाला के सामने एक जमीन है, उसको लेकर के बड़े बड़े होर्डिंग लगे, बड़े बड़े स्टेज सजे कि ये जो है ना इसमें पार्क बनवाएंगे, मंत्री जी आए और बड़े बड़े नेता आए, नहीं बन पाया पार्क आज तक भी। देखो उस जमीन से पूरे मीठापुर वार्ड का भविष्य टूटा, ये दो जमीन थी, एक वो जिसका भी आपने पहले जिक्र किया, एक ये हरियाणा इरीगेशन, कभी ये हरियाणा सरकार ने एक्वायर की थी जो गुरबन कैनाल बनी थी, ये गांव के लोगों की जमीन थी, वो एक्वायर कर ली। परंतु जब आपने देखा होगा जब इसका उद्घाटन हुआ बाउंड्री वॉल का, परंतु ये कहा गया था मन से ये इतना बढ़िया पार्क बनेगा, एक मुगल गार्डन भी अपने आप में शर्मिंदा हो जाएगा इसको देखकर। परंतु आदमी को बोलने से पहले ये तो देखना चाहिए, मुगल गार्डन वो गार्डन है जो विश्वविख्यात, ऐसा हमारे जो आज MLA उन्होंने कहा था मंच के माध्यम से, आपने भी सबके पास बड़े बड़े पब्लिक डोमेन में बड़े बड़े होर्डिंग लगे। परंतु अब बात ये आई, अब ये बहाना आता है भाई इस पर स्टे ले, स्टे किसने दिया, उन लोगों ने जिनकी जमीन थी, उन्होंने एक कोर्ट में एक दलील डाली, एक भाई हमारी जमीन है आपने एक्वायर की, आपके किसी काम की नहीं, हमारी जमीन हमें वापस दी है। परंतु आपको ये पता होगी इसमें भट्टा लगाया था पांडे ने, उसने भी इस जमीन पर स्टे लिया था, पर सरकार जब चाहती है स्टे टूटने में एक दिन लगता है, तो ये पर करने की वो तो इच्छा शक्ति तो हो आदमी को करने की। भाई अब आप ये देखिए आज जो मीठापुर और मोरगंज के हालात हैं बदरपुर विधानसभा के, अगर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हम हर तरह से सहयोग के लिए तैयार हैं, हमसे अगर कोई, परंतु हमारा कोई काम, क्योंकि MCD का काम है सफाई करो, कहीं मेन हॉल टूट गए, ये काम है हमारा, हम उनको करने के लिए तैयार हैं, हम कर रहे हैं और हमारा सहयोग भी चाहिए, हम तैयार हैं हर तरह से। पर जो हालात है आज मीठापुर के, अब तो हम इंतजार कर रहे हैं विधानसभा के चुनाव का, भाई हमारे राम सिंह नेताजी जीत के आए तो हम आपके जो आपने सवाल उठाए इन कुछ सवालों के जवाब हम आपको जरूर करके दिखाएंगे। एक और मामला सामने है, आपके चुनाव में मंच के माध्यम से राम सिंह नेताजी ने जगह जगह कहा था कि राम हेमचंद गोयल जीत के आएगा तो मैं दो फीट मिट्टी डलवाऊंगा खाटू श्याम पार्क की बात, उसमें कितना काम अभी चल रहा है। देखो बिल्कुल कहा था और मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता क्योंकि वो जगह मेरे वार्ड में नहीं है, वो बदरपुर वार्ड में आती, पर बदरपुर से भी निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का, राम सिंह नेताजी का, अरविंद केजरीवाल जी का, और मैं भी आम आदमी पार्टी से हूँ, और आपने देखा होगा सरकार उसमें पीली मिट्टी डालती है, और जब करीब करीब मेरे ख्याल से 75% पीली मिट्टी उसमें डल चुकी है, उसको हम फैलवाएंगे पूरे पे जो साफ सुथ जगह हो, बिल्कुल आप इस बात से बेचिंता, ये जो राम सिंह नेताजी ने कहा है वो वादे पूरे हो रहे हैं और कोई रह रहा है तो वो भी पूरे करेंगे।